दोस्तों अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के बीच अफेयर होने की अफवाहें लंबे समय से जारी हैं। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ जब से कॉफी विद करण शो में करण जौहर ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि एक पार्टी में अनन्या और आदित्य एक कोने में खड़े बातें कर रहे थे। इसके बाद दोनों को मनीष मल्होत्रा की पार्टी में भी एक साथ स्पॉट किया गया था। कुछ समय पहले भी दोनों को करण जौहर के घर पर एक डिनर पार्टी में एक साथ देखा गया था। अनन्या और आदित्य मनीष मल्होत्रा के लिए एक साथ रैंप पर भी चले थे, तब भी लोगों को उनके बीच केमिस्ट्री दिखाई दी थी। अभी टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक हाल ही में अनन्या ने अपने एक इंटरव्यू में अपने और आदित्य के अफेयर के चर्चों पर बात की। इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने कहा, क्यूरियस होना अच्छी बात है, इसीलिए लोगों को ये अंदाजे लगाते रहने चाहिए कि मैं किसे डेट कर रही हूँ। हाल ही में इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे फिल्में करना काफी पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मुझे हमेशा फिल्में मिलती रहे जिससे मैं खुद को बेहतरीन बना सकूँ। वही इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जो सबसे बुरी है, जिस पर अनन्या पांडे हैं चौंकाने वाला जवाब देते हुए कहा कि वैसे तो कई सारे आदतें हैं जो मेरी बुरी है, पर मुझे जो सबसे ज्यादा बुरी लगती है वह है मेरी सेक्स की लत। मैं हर रोज सेक्स करना चाहती हूँ लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि यह लत मुझे बर्बाद कर देगी। हालांकि इसके बाद अनन्या पांडे ने कहा कि अब मैं इस पर काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही इसी इंटरव्यू में अपना फिटनेस फंडा शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें वर्कआउट करना पसंद नहीं है इसलिए वह कम खाती है। हालांकि ऐसा करना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता।